तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन। तो देखिए क्या क्वेश्चन, वो थे सीयूटी की जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट। देखिए क्या क्वेश्चन है, इन केस ऑफ वेव फंक्शन, आपको वेव फंक्शन दिया हुआ है और आपको क्या पूछ रहा था, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन क्या होगा, हमें वेव फंक्शन दिया हुआ है, वेव फंक्शन है ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर। अब इसका हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, जहाँ पर भी यदि आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालना, मान लीजिए आपके पास जेड एक्स प्लस आयोटा वाई कोई फंक्शन है और इस जेड का आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालना है, तो क्या करना है, जहाँ पर भी आयोटा है उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना, यानी एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी कि आयोटा है आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में। तो ये क्या, ई के पार माइनस आयोटा के आर अपॉन आर, ये हो गया इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब देखिए क्या है, हमें आगे फाइंड करना है जो करंट डेंसिटी जे है, जे को फाइंड करना है, जे का जो फॉर्मूला होता होता है एस कट अपॉन टू आई एम साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डेल साई माइनस साई डेल साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये जो हम के पास करंट डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला। अब देखिए कैसे निकालेंगे, एस कट अपॉन टू आई एम, और कहीं कहीं क्या होता है क्योंकि हमें पता है कि माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा कभी भी जो डिवाइड में नहीं रहता, इसको यदि आप आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन, और ये माइनस क्या हो गया, माइनस वन, और इसको आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म पहले आ जाएगी, ये टर्म यहाँ आ जाएगी और ये टर्म यहाँ आ जाएगी और आयोटा एक ऊपर आ जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको लिखते हो। तो ये हमारे पास है करंट डेंसिटी। अब देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि ई की पावर माइनस आयोटा के आर अपॉन आर डेल, यानी कि डेल अपॉन डेल आर ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर माइनस साई, यानी कि ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर और डेल अपॉन डेल आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ई की पावर माइनस आयोटा के आर अपॉन आर। अब देखिए क्या करना है, एच कट अपॉन तो आई एम हमारे पास ऐसे कैसा है, ये ऐसे कैसा हो गया, ये फंक्शन तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। अब अगर इसका हमें करना है ये वी और यू, तो नीचे का स्क्वायर तो आर स्क्वायर, उसके बाद आर है, आर को एट एडीज रखना है और ई की पावर आयोटा के आर रखना है, तो ई की पावर आयोटा का ई की पावर आयोटा के आर, और हमें इसका डेरिवेटिव लेंगे ई की आयोटा के आर का, तो क्या होगा आयोटा के उसके बाद माइनस फर्स्ट फंक्शन एटीटी, यानी जो ये ऊपर वाला है ये एटीटी जो, तो आयोटा के आर और आर का डेरिवेटिव वन, आर के रिस्पेक्ट में वन, तो ये आ गया, उसके बाद माइनस ई की पावर माइन आयोटा के आर अपॉन आर हो गया। अब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है इसको, तो नीचे आर का हो गया स्क्वायर, उसके बाद आर जो नीचे वाला फंक्शन है वो एटीटी इंटू जो यहाँ पर ऊपर वाला फंक्शन है इसका हमें आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, यानी कि अवकलन करना है, तो ई की पावर कुछ भी हो समथिंग ई की पावर का, तो ई की पावर एक्स ही होगा, मान लीजिए एक्स है, तो ये ई की पावर माइनस आयोटा के आर, तो ये माइनस आयोटा के आर है, इसका आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा माइनस आयोटा के, उसके बाद सेकेंड फंक्शन है ये आयोटा है, उसके बाद क्या होता है फर्स्ट जो सेकेंड फंक्शन है जो ऊपर वाला वो एटीटीज होता है, तो ई की पावर माइनस आयोटा के आर एटीटीज, ये आयोटा के आर एटीटीज होगा और आर का क्या होगा वन, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एच कटम टो आई एम, अब देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास, ये आर स्क्वायर और एक यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे तो होगा हमारे पास आर स्क्वायर, उसके बाद ऊपर देखिए क्या है, हम पूरे को एक साथ लिखते हैं अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या होगा ई की पावर माइनस आइटा और ई की पावर आइटा क्या, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पर बचेगा आर से, ये आर कैंसिल आउट हो चुका है ऑलरेडी, तो आयोटा के ये हो गया आयोटा के, उसके बाद माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर तो हमारे पास होगा क्योंकि ये आर स्क्वायर इसके भी नीचे, उसके बाद क्या है ये आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा के आर इसको कर देगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारे पास वन, उसके बाद ये पूरे के ब्रैकेट के बाहर है माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ई की पावर आयोटा के आर और ई की पावर माइनस आयोटा के आर ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट, तो वहाँ से होगा हमारे पास वन, लेकिन ये आर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास माइनस आयोटा के अपॉन
आर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, एक की पावर अल्टा के आर, तो एक की पावर माइनस अल्टा के आर तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस 1 अपॉन आर, यह होगा क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये पूरे के ब्रैकेट के बाहर है, तो ये आर क्यूब ही यहाँ पर होगा। उसके बाद देखिए क्या, यदि यहाँ पर आर क्यूब होता है तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या शायद? चलिए देखते हैं इसको क्या हुआ। 1 अपॉन आर, आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये आर का 1 हो गया। चलिए देखते हैं क्या होगा, यहाँ से फिर से क्या होगा, ये माइनस आयोटा और ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये इसको माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ये माइनस इसको बना देगा प्लस और इसको भी बना देगा प्लस, माइनस प्लस एक दूसरे को करेंगे कैंसिल, तो हमारे पास क्या होगा, एस कट अपॉन 2 IM। उसके बाद ये है माइनस आयोटा के आर, आयोटा से आयोटा से चलिए छोड़ते हैं, फिर आयोटा के अपॉन आर, और एक है आयोटा के अपॉन आर, तो क्या होगा, 2 आयोटा के अपॉन आर स्क्वायर, आयोटा से ये आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा, एच कट अपॉन के अपॉन 2 m r स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास करंट डेंसिटी जे। तो ये है जो राइट आंसर है इसका, एच कट अपॉन 2 m r स्क्वायर, जो हमारे पास करंट डेंसिटी आई है। तो देख ली एक बार फिर से, देखिए क्या होगा, हमें वेव फंक्शन दिया था, और जो हमारी करंट डेंसिटी होती है वो होती है एच कट अपॉन 2 im, साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, डेल साई माइनस साई डेल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और हमें अवकलन करना है साई का, तो ये साई, उसके बाद ये यहाँ पर ये जो साई कॉम साई एड, उसके बाद डेल और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का हमें अवकलन करना है, तो ये हो गया। उसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे और इसका अवकलन और पूरा जब इसको करोगे, तो ये आएगा आपके पास 2 टर्म, उसमें से देखिए कि यहाँ पर नेगेटिव साइन था, ये इसको जो ब्रैकेट के अंदर था उसको ऑलरेडी जो पॉजिटिव बना देगा, यहाँ से माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आयोटा के आर, ये आयोटा के आर 2 है, तो ये एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, तो क्या होगा, 2 और आयोटा के अपॉन आर स्क्वायर, और इस ये लास्ट का हमारा एक्सप्रेशन होगा वो होगा एच कट अपॉन 2 m r स्क्वायर। ये है हमारे पास करंट डेंसिटी, जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसकी वैल्यू। तो होप करते हैं आपको ये सब क्वेश्चन समझ में होगा कि हमने करंट डेंसिटी को किस तरह फाइंड किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।